आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और डेट्स के लड्डू, जो हम विदाउट शुगर के बनाएंगे, विदाउट जिगरी, विदाउट हनी। बस सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और डेट्स ली है मैंने, और उसके बाद भी ये लड्डू इतने टेस्टी और इतने पौष्टिक बनेंगे कि खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भर के हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। घी के मेल्ट होते से ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, आपके पास जो अवेलेबल हो या आप जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो वो सभी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसे 5 से 6 मिनट तक ही हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा देर हमें इसे कुक नहीं करना है, वरना इनका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और फिर हमें इसे घी से नितारते हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में, देखिए इस तरह से। अभी हम इसमें किशमिश भी ऐड करने वाले हैं, लेकिन इन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही अगर किशमिश डालते ना तो वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाती, इसलिए हमें उसे अलग से कुक करना रहता है, इसके साथ मैंने ऐड नहीं की है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे हो गए, देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं, कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। बस देखते ही ऐसा लग रहा है ना फटाफट से लड्डू बनाएं और इमीडिएट खाएं। और ये लड्डू वाकई बहुत जल्दी बनते हैं। बस अब इसी कढ़ाई में जो घी बचा है उसी में हम हमारी थोड़ी सी किशमिश ऐड करके वो भी निकाल लेंगे, जैसे ही सॉफ्ट हो गई उसको इमीडिएट निकाल लेंगे। देखिए उसके बाद भी उसमें घी बच गया है कढ़ाई में। अब जो सूखा वाला नारियल आता है ना, बस हमें वो लेना है। अब आप चाहें तो उसे किसनी से किस सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर उसे तोड़कर मिक्सर में निकाल लिया है और उसका बुरा तैयार कर लिया। बस अब उसी बुरे को हम थोड़ी देर कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। इसे 2 या 3 मिनट ही रोस्ट करना है हमें, इमीडिएट उसका कलर चेंज होने लगता है, उसकी खुशबू आने लग जाती है, तो हम समझ जाएंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब ये सारा नारियल का बुरादा निकाल कर किसी प्लेट में निकाल लेंगे, कढ़ाई में अगर गर्म में पड़े रहने लगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर डेट्स के सारे सीड्स निकालने के बाद ये डेट्स ली है, अब इसे हम मिक्सर में निकाल लेंगे पहले, फिर कढ़ाई में घी डालकर इसे भी 5-7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ताकि हमारी डेट्स सारी एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बस 5-7 मिनट में ही हमारी सारी डेट्स अच्छे से कुक हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, जितने हमारे ड्राई फ्रूट थे ये देखिए उतनी हमने इसमें डेट्स ली है। तो बस उससे क्या बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी और उससे स्वीटनेस भी आ जाएगी। अब ड्राई फ्रूट्स हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं, अब ये बहुत बड़े बड़े पीस हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब किशमिश जो हमने निकाली थी वो इसमें डाल लेंगे, नारियल का बूरा उसमें ले लेंगे, ड्राई फ्रूट को थोड़े से क्रश करें, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाइएगा, थोड़े दिखने चाहिए कि इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसलिए मैंने उसे अधकचरा ही क्रश किया है। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के इलायची पाउडर ऐड करेंगे, उससे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इलायची डालने के बाद सारे पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स पाउडर के फॉर्म में आकर तैयार हो गए हैं। अब जो हमने डेट्स को कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए कुक किया था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये देखिए अब ये इससे पूरा मिठास आ जाएगा, इसमें गुड़, शक्कर, हनी कुछ भी ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये है, अब हाथ हमारे अच्छे से क्लीन होना चाहिए, अंगूठी वगैरह कुछ पहनी हो तो निकाल दें ताकि उसमें वो ये सब फंसे ना। अब पूरे को हम अच्छे से हाथ से पूरे को मिक्स करेंगे, और ये डेट्स थोड़ी सी गर्म है तो सॉफ्ट है, उसी में अच्छे से ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे मिक्स हो जाने वाले हैं। और ये पौष्टिक इतने हैं, आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अगर कोई भी तकलीफें हो ना तो उसमें ये आप डेली एक लड्डू खाएंगे ना तो आपके सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन सभी कुछ है। ये बस अब सबको मिक्स हो गया, बस अब इसी तरह से आप बड़े बने लड्डू बनाना चाहें तो बड़े बड़े, छोटे बनाना चाहें तो छोटे, बस इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। वैसे आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता जाए। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी वीडियो अपलोड करने के पीछे मेहनत तो लगती है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको पहले से ही थैंक यू, और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी कीजिएगा।
बस इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।